हाय व्यूअर्स, मैं के स्टूडियो में आप सभी का वेलकम। संजय दत्त की अपकमिंग फिल्म वेलकम टू द जंगल से संजय दत्त के आउट होने की कुछ रीजन सामने आ रही है। जैसा कि आप जानते हैं कि अक्षय कुमार की फिल्म वेलकम टू द जंगल में संजय दत्त भी कास्ट में शामिल थे। संजय दत्त के अलावा फिल्म इंडस्ट्री के और बड़े नाम इस फिल्म में दिखाई दे रहे थे, लेकिन संजय दत्त ने फिल्म को दरमियान में ही छोड़ दिया। अब कुछ लोगों का कहना यह है कि संजय दत्त ने सलमान खान की फिल्म सिकंदर के लिए इस फिल्म को छोड़ा, क्योंकि वो सिकंदर को साइन कर चुके हैं। लेकिन संजय दत्त के अपने फैंस का कहना यह है कि उन्होंने तबीयत खराब होने की वजह से इस फिल्म को छोड़ा। इस फिल्म में संजय दत्त ने 15% काम मुकम्मल कर लिया है। यूं तो अक्षय कुमार और फिल्म मेकर्स इस बात पर परेशान है कि संजय दत्त की 15% शूटिंग मुकम्मल हो चुकी है, अब उनको दरमियान में काम नहीं छोड़ना चाहिए। और यही वजह है कि फिल्म मेकर्स ये सोच रहे हैं कि या तो संजय दत्त के काम को ख़त्म कर दिया जाए और किसी नए रोल में किसी नए करेक्टर को स्टार्ट लिया जाए, या फिर संजय दत्त को एज ए गेस्ट स्टार के तौर पर इस फिल्म में रखा जाए। जितना काम इन्होंने कंप्लीट किया उसके अगला काम एक नए अदाकार को देकर इस फिल्म को मुकम्मल कराया जाए, लेकिन अभी तक कोई सही वजह सामने नहीं आ रही। आप इस बारे में हमें क्या कहते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। कीप वॉचिंग मैके स्टूडियो।